बादलों में उलझा हुआ दे रहा मन है, बीच भंवर में फंसा ये तेरा जीवन है। मैं बिंदु दीदी की आभारी हूँ कि हमारे सरसा शहर के अंदर इतनी अच्छी मूवी लेकर आए हैं, और सभी जो हमारे एक, हम एक सोयल हैं, हम एक आत्मा है जो हमें ज्ञान कराती है कि इंसान बॉडी नहीं एक आत्मा है, उसको जानना चाहिए, उसको राजयोग का ज्ञान होना चाहिए। और सभी सरसावासियों से मैं आह्वान करूँगी कि सभी एक बार इस मूवी को जरूर देखें। भारत वर्ष में पावन धाम है। था से नीचे उतर आए तब हमने खोज आरंभ की उन सभी महानतम विस्मृत सत्य की। इस फिल्म में संदेश मिलता है कि आज जो नफरत, घृणा, द्वेष, मारामारी हो रही है, उसका कारण है हमारे विचारों में भिन्नता। परमात्मा के बारे में जो हमारी भिन्नताएं हैं, हमने भगवान को अलग अलग बना दिया है, अपने अपने अलग मंतव्य बना रखे हैं, उस कारण से भेदभाव की नीतियां आ गई हैं, हमारे मन में अंदर नफरत आ गई है। अगर हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा एक है, सभी ने उस निराकार परमात्मा को ही माना है, तो अगर हम इस बात को स्वीकार करेंगे तो हमारे समाज के अंदर ये कुरीतियाँ आ गई हैं, जो भेदभाव नफरत बढ़ गया, जिसके कारण हम दुखी अशांत हैं और संसार थर्ड वर्ल्ड वार की ओर जा रहा है, तो हम थर्ड वर्ल्ड वार से बचकर एक सुंदर समाज की रचना कर सकते हैं। इस वैज्ञानिक अवधारणा ने कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हमें काफी स्वार्थी और हिंसक बना दिया है। इस फिल्म में एक तो भारत की जो संस्कृति है एक्चुअल वो कैसी थी उसके बारे में बताया गया है, कि जो हमारे अंदर ये मान्यता है कि इंसान बंदर से डेवलप होके डेवलप हुआ है धीरे धीरे, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि हम उस देवी देवता घराने के थे, कभी इस भारत के अंदर एक स्वर्णिम दुनिया थी जिनको आज हम मंदिरों में याद कर रहे हैं। हम उस घराने से निकल के, उस वंश से निकल के आज एक ऑर्डिनरी इंसान हो गए हैं। तब हमारी बैटरी फुल, यानी कि हमारे अंदर वो देवताओं वाले गाने गुण जो थे वो फुल थे, वो धीरे धीरे समाप्त हुए, तो आज हमारी ये हालत हो गई है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। तो अब वो गुण कैसे हमारे अंदर दोबारा एक्टिवेट होंगे, उसके लिए जो परम सत्ता है जो इन गुणों को हमारे अंदर बनाती है, वो स्वयं शिव परमात्मा इस धरती पर आकर के दोबारा से कैसे इस दुनिया को जो है वैसा एक स्वर्णिम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ को इसके अंदर बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। ओम शांति। वास्तव में इस फिल्म तो ये रिलीज़ हो चुकी है मार्च 2019 में शिव जयंती पर। सिरसा में इसका आज पहला शो था और सिरसा वासियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और सभी ने खूब इसको सराहा भी है, क्योंकि ये उस निराकार परम पिता परमात्मा भगवान शिव से मिलाने वाली फिल्म है, उसका सत्य परिचय देने वाली फिल्म है, समाज के अंदर एकता और भाईचारे का संदेश देने वाली फिल्म है, और उस परम पिता परमात्मा से, उस आलमाइटी से कैसे अपने आप को जोड़े, वो मेडिटेशन भी इस फिल्म के अंदर कराई जाती है। और इसको देख करके लोगों के अंदर एक अच्छा भाव पैदा होता है कि वास्तव में पूरा विश्व हमारा एक परिवार है और हमने कैसे आपस में सबके साथ मिलजुल करके रहना है, और आत्मा रूप में हम सब भाई बहने हैं। विश्व के सभी धर्मों के ग्रंथों में एक सूत्र समान जरूर है कि ईश्वर एक है। इस फिल्म में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, बहुत अच्छे तरह से इसको दिखाया गया है कि हम सब एक आत्मा ही हैं और इस शरीर के बिना भी हमारा कुछ नहीं है। शरीर आत्मा के लिए बड़ा जरूरी है, यही नियम परमात्मा पर भी लागू होता है और हम सब उसी से जुड़े हुए हैं। हम अपने आप को अच्छे कार्यों में लगाएं और एक समाज को नई दिशा दें, इसके लिए हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने होंगे, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत है उसको ठीक करना होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब हैं भाई भाई। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे
यह प्रेरणा मिली कि हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं। जब मनुष्य अपने स्रोत को जान लेगा तो उसके बाद अलग अलग धर्म अलग अलग पंथ होने का कोई खतरा ही नहीं है, किसी किस्म के दर्शन आकर किसी किस्म के विवाद का कोई वो नहीं है। दूसरा, इसके द्वारा मूल को जानने के बाद आनंद का रास्ता आगे अपने आप ही तय होता है। ये इस तरह की प्रेरणा समाज को दे रही है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। नमामि शान ईश्वरम।